सुना आ रहा है बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू या इसको एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, ये जो परिंदों का बीमारी है, ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा तक माइग्रेटरी जो दूसरे देश के बर्ड्स आने वालों से स्प्रेड हो रहा है। और इसमें क्या बता सकते हैं, तो अपन जो भी बर्ड्स एक्सटर्नल एग्जोटिक बर्ड्स आते हैं यहाँ पर या दूसरे देश से यहाँ पर माइग्रेशन के लिए, उससे ये बर्ड फ्लू इनपे स्प्रेड हो रहा। और ये ज़्यादातर अपन जो अब रिपोर्ट्स के हिसाब से ज़्यादातर राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश, केरला में इसका इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे सब सेंट्रल जू अथॉरिटी की तरफ से सबको ऑल जू सेंचुरीज को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि हर बर्ड्स के जो भी इंक्लोजर्स है उस पर नज़र रखना और बर्ड्स के हेल्थ चेकअप डेली करना, और कुछ भी अनयूजुअल डेथ्स हो गए तो उसकी इमीडिएटली पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट्स के लिए उसका डायग्नोसिस के लिए करीबी रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजाना, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उससे हम पता चलेगा ये बर्ड्स का डेथ क्यों हुआ है। और हम अपने जू में भी अपने जू का स्टाफ और जू के टोटल ऑफिसर के हेल्प से टोटल अपने जू के टोटल एवरेज जो भी जू के नेट है उसे इंक्लोज है को सफाई की जा रही है, और बर्ड्स के फीड वाटर में एंटीबायोटिक बी कॉम्प्लेक्स सप्लाई की जा रहा है, और उसके साथ जो नाइट है वो इंक्लोजर्स को वाइट वॉश किया जा रहा है, और जो भी बर्ड्स अनयूजुअल बर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर उसका चेक कर रहे हैं, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे। उसके बाद जो भी अपने पास स्टाफ है हर दिन और वेटनरी विंग या जू स्टाफ डेली एवरेज को जाके पर्टिकुलर ऑल बर्ड्स को देख के चेक करके हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट दे रहे हैं। इस हिसाब से अभी तक तो तेलंगाना स्टेट या हैदराबाद जू में ऐसा कोई निशान नहीं मिला कि जो बर्ड फ्लू हुआ है, लेकिन हमें नज़र करते हुए इसको पूरा प्रोफिलैक्टिक मेजर परफेक्टली ले रहे हैं, इससे हमारा कोई भी बर्ड फ्लू आने का तो कुछ नहीं लगेगा। फिर भी हम एहतियात के एहतियात पर करने के लिए जो भी अपन जो सप्लाई कर रहे हैं बर्ड्स चिकन बर्ड्स का खान है उसको वो भी बंद किया गया है, उसके प्लेस में दूसरा बीफ या मटन वटन दे रहे हैं। इसीलिए ऐसा बर्ड्स का तो कोई ऐसा तो अब तक तो निशान नहीं लगाना।